दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में चल रहे टेस्ट मुकाबले में अब बेहद ही रोमांचक मोड़ आ गया। अब इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी और किस टीम को मिलेगी हार, ये कह पाना बेहद ही मुश्किल है। अब तक हुए इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा से लेकर जॉनी बेयरस्टो और जो रूट ने अपने प्रदर्शन से तहलका मचा कर रखा है। वहीं पांचवें दिन का बेहद ही रोमांचक मुकाबला कब और कहां देख पाएंगे आप, उसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है महान बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच बेहद ही रोमांचक टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने 416 रन खड़े कर दिए, तो वहीं इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड को पहली पारी में केवल 284 रन ही बनाने दिए और इस तरीके से भारतीय टीम इंग्लैंड से 132 रनों से आगे थी। हालांकि दूसरी पारी में टीम इंडिया के बल्लेबाज कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए और 245 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। इसके बावजूद आपको बता दें कि भारत 377 रनों की बढ़त लेने में कामयाब रहा और इंग्लैंड के सामने एक विशाल लक्ष्य था, जिसका पीछा करते हुए इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज जैक क्राउली और एलेक्स लीज भारतीय गेंदबाजों की जमकर क्लास लेते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने देखते ही देखते को 100 रनों की एक धमाकेदार शुरुआत दिला दी, जिसमें एलेक्स ने ताबड़तोड़ अंदाज में अर्धशतक लगाया तो वहीं क्राउली ने भी 46 रनों की लाजवाब पारी खेली। लेकिन चाय से ठीक पहले जसप्रीत बुमराह ने क्राउली को क्लीन बोल्ड करके भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई और यही नहीं, इसके बाद जैसे चाय के बाद इंग्लिश बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए, तब नंबर 3 के बल्लेबाज पॉप को भी एक खतरनाक गेंद डालकर विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया और अपनी बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी से इन्होंने टीम इंडिया को इस मुकाबले में वापसी करा दी। हालांकि इसके बाद जॉनी बेयरस्टो और जो रूट ने बेहद ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों को जमकर परेशान किया और टीम इंडिया से मुकाबला काफी दूर लेकर चले गए। इन दोनों ने ही टीम इंडिया के दिए गए लक्ष्य के मुकाबले इंग्लैंड को 259 रनों के पार पहुंचा दिया और अभी भी टीम इंडिया को जीत के लिए 7 विकेट चाहिए। अगर ऐसा होता है तो 90 सालों के बाद पहली बार होगा जब टीम इंडिया ने इंग्लैंड की सरजमी पर 5 मुकाबलों की टेस्ट श्रृंखला में जीत हासिल की होगी और इसी के साथ ही इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले का मजा कोई भी क्रिकेट प्रशंसक नहीं छोड़ना चाहेगा। आपको बता दें कि ये मुकाबला एजबेस्टन में खेला जा रहा है और इसे आप सोनी 10 के चैनल पर इंग्लिश और हिंदी कॉमेंट्री के साथ देख सकते हैं। साथ ही आप इसे सोनी लिव पर और जियो टीवी पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। जैसे जिस हिसाब से अब टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया है, उसे देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में भारतीय टीम इतिहास रच देगी। लेकिन इसमें मौसम का मिजाज भी अभी शामिल है। भारतीय टीम के साथ अगर मौसम का मिजाज रहता है तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। और इस मुकाबले में कई बार बारिश खलल डाल चुकी है और पांचवें दिन का खेल भी बारिश के कारण धुल जाता है, तो टीम इंडिया और उनके चाहने वालों के लिए ये काफी अच्छी बात होगी क्योंकि इंग्लैंड अभी इस मुकाबले में काफी आगे। हालांकि अभी भी उन्हें 119 रन बनाने हैं और टीम इंडिया जल्द ही विकेट हासिल कर सकती है तो बहुत अच्छी बात होगी और टीम इंडिया वापसी कर लेगी मैच में। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल करेगी, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।